बीजेपी ने यूपी के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। यूपी में 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से कई सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट भी किया गया है। वहीं जौनपुर सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। कृपा शंकर सिंह ने 2021 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। वो मूल रूप से जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। तो वहीं ये पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक तरफ जहां पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बाहुबली धनंजय सिंह के नाम पर भी सियासी गलियारों में खूब शोर देखने को मिल रहा है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अभिषेक सिंह का इस्तीफा भी कुछ दिनों पहले मंजूर हुआ था, मगर उन्होंने उससे पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी थी। तो वहीं अब जौनपुर सीट को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी दावेदारी करते दिख रहे हैं। धनंजय सिंह यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी को इस सीट पर अब तक उस स्तर की सफलता नहीं मिली है। ऐसे में बीजेपी ने अब कृपा शंकर सिंह पर दाम लगाया है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो पूर्व में जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। अगर धनंजय सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो भी वो अभिषेक सिंह या कृपा शंकर सिंह दोनों की जीत की राह में रोड़ा बनने का काम करेंगे, क्योंकि धनंजय सिंह के पास बिना किसी दल के भी 1 लाख का वोट बैंक है, जिसकी बदौलत वो चुनाव लड़ते हैं। बता दें कि ठाकुर मतदाताओं में भी धनंजय सिंह की सर्वाधिक लोकप्रियता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पार्टी से हटकर उन्हें वोट करते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट से फिलहाल बसपा के श्याम सिंह यादव सांसद हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया था। श्याम सिंह यादव को 4,40,192 वोट मिले थे। बीजेपी ने आखिरी बार इस सीट पर साल 1999 में जीत हासिल की थी, जब स्वामी चिन्मयानंद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद से एक चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता। इसके बाद लगातार 3 चुनाव में ये सीट मायावती की पार्टी बसपा के खाते में गई।